हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब के अंदर आपके लिए विद्यार्थियों के लिए सफलता सूत्र एक नई सीरीज शुरू की है और मुझे आशा करता हूं कि मेरी ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। और आज इसकी पहली सीरीज के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि विद्यार्थी की परिभाषा क्या है, हम विद्यार्थी कहते किसको हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टूडेंट। तो चलते हैं, विद्यार्थी की परिभाषा। विद्यार्थी के लिए एक पर्यायवाची शब्द है छात्र। विद्यार्थी को हम छात्र भी कह सकते हैं, स्टूडेंट भी कह सकते हैं, छात्र कहते हैं। आगे चलते हैं, कहा गया है छत्रम एवं शीलम यस्य सः छात्रः, अर्थात छत्र यानी छाते की तरह, शील स्वभाव, ठंडा स्वभाव, मीठा स्वभाव, गुस्से से भरपूर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट कभी भी, युक्त को पत्र कहा जाता है। और जैसे छाता स्वयं धूप धाम वर्षा पानी के दुख को झेलकर दूसरे को सुख पहुंचाता है, वैसे ही जो स्वयं कष्ट सहकर विद्या ग्रहण कर अपना, अपने घर परिवार समाज राष्ट्र एवं विश्व का कल्याण करता है, अपना अपने माता पिता गुरुजन नगर राज्य देश का नाम रोशन करता है, वह आदर्श छात्र कहलाता है। अब देखो, यहां पर इस शब्दों के अंदर बड़ी सुंदर डेफिनेशन की है, बड़ी सुंदर परिभाषा दी है कि छात्र किसे कहते हैं, विद्यार्थी किसे कहते हैं। वैसा विद्यार्थी जो स्वयं कष्ट सहकर विद्या ग्रहण करता है, अपने घर परिवार समाज राष्ट्र एवं विश्व का कल्याण करता है, अपने माता पिता गुरुजन नगर राज्य देश का नाम रोशन करता है, उसे एक हम आदर्श स्टूडेंट कहेंगे, उसे हम एक आदर्श छात्र कहेंगे। अब आप अपने आप इस शब्दों को देखकर आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके अंदर इनमें से कितने गुण हैं। विद्यार्थी का अंग्रेजी भाषा में जो पर्याय शब्द है, विद्यार्थी को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट बोलते हैं। अब जो स्टूडेंट के जो वर्ड हैं, ये कुछ ना कुछ बोलते हैं बेटा, एस कुछ बोलेगा, टी कुछ बोलेगा, डी कुछ, यू कुछ कहेगा, इसका मीनिंग है स्टूडेंट का। अब क्या मीनिंग है स्टूडेंट का, प्रत्येक अक्षर स्टूडेंट के धारणीय गुणों की ओर इंगित करते हैं। कहने का अर्थ है कि जो स्टूडेंट अल्फाबेट्स के मीनिंग निकलेंगे, वही मीनिंग एक विद्यार्थी के अंदर भी होने चाहिए और वही मीनिंग एक विद्यार्थी की परिभाषा भी बनाएगा। कैसे? एस स्टडीज एंड सोलोमन, अर्थात अध्ययनशील होना चाहिए विद्यार्थी, गंभीर भी होना चाहिए और सत्यनिष्ठ भी होना चाहिए। कि अध्ययनशील, हमारे प्रोफेसर जयदीप शर्मा जी ये कहते हैं कि यदि आप अपनी दुकान से एक 2 रुपए के कुरकुरे लेने गए हो और वो दुकानदार ने वो कुरकुरे आपको लिफाफे के अंदर डाल दिए, आप कुरकुरे तो खा गए लेकिन आपके अंदर अध्ययनशीलता ऐसी होनी चाहिए कि उस लिफाफे को फाड़ कर सारे को पढ़ डालो, क्योंकि ज्ञान आपको कहीं से भी मिल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है टी, टेलीस्कोपिंग, दूरदर्शी, फोरकास्टिंग, दूरदर्शी सोचने वाला होना चाहिए विद्यार्थी, जो उसकी सोच है भविष्य के ऊपर आधारित होनी चाहिए। यू,
अनलेट्रियस, अदीर्घ सूत्री, उचित समय पर कार्य को पूरा करने वाला। इट मीन्स क्या है कि जो उसने प्लान कर दिया तो उस प्लान के अंदर अपनी स्टडी को पूरा करने वाला। यदि आज उसने विद्यार्थी ने किसी प्रोजेक्ट के लिए कहा है कि आज शाम को 12 बजे तक मैं प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा, तो फिर पूरा करना ही है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं डी डिलिजेंट, परिश्रमी, मेहनती होना चाहिए। ई एनर्जेटिक, ऊर्जावान भी होना, ये नहीं है कि सुस्त हो, आलस्य से भरपूर हो। विद्यार्थी का लक्षण नहीं है कि आलस्य से भरपूर होने वाला, विद्यार्थी ऊर्जावान होना चाहिए। एंड नंबर फुर्तीला, फुर्तीला होना चाहिए। टी टैक्टफुल, व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स के जो अपने आप में अल्फाबेट्स हैं, ये कुछ ना कुछ बोलते हैं। एस अध्ययनशील और गंभीर को डिनोट करता है, टी दूरदर्शी को डिनोट करता है, यू उचित समय पर कार्य को पूरा करने वाला को डिनोट करता है, डी परिश्रमी स्टूडेंट को डिनोट करता है, ई ऊर्जावान को डिनोट करता है, एन फुर्तीला को इनको डिनोट करता है, टी टैक्टफुल व्यवहार को कुशल को डिनोट करता है। अब इन्हीं शब्दों को मिला दें, हम इकट्ठा कर दें, वो एक विद्यार्थी की डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे? आदर्श विद्यार्थी को अध्ययनशील, सत्यनिष्ठ, दूरदर्शी, आलस्य रहित, परिश्रमी, ऊर्जावान, फुर्तीला और व्यवहार कुशल होना चाहिए। ये विद्यार्थी की लास्ट में कंक्लूजन है कि ये। अब आप प्यारे बच्चों, आप अपने अंदर देख लो कि एक विद्यार्थी के इनमें से आपके अंदर कितने गुण हैं, तो आप उतने अच्छे विद्यार्थी होंगे। तो एक नई सीरीज शुरू की है, आशा करता हूँ कि ये मेरी सीरीज आपको जरूर अच्छी लगेगी। और इस सीरीज में मैं आपको एक बहुत लंबी सीरीज दूंगा, अच्छी वीडियो दूंगा और अनेकों वीडियो दूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो आपके पास लिंक आती रहे। और आप विद्यार्थी की सफलता के सूत्र जो मैं आपने आपके लिए शुरू की है, आप उसके लाभ उठाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।